जिस हाथ में आपने डंबल्स ले रखा हो उस हाथ की कोहनियों को अपने पैर के घुटने के पास हटा के रखिए। दूसरे हाथ के हथेले को अपने दूसरे पैर के घुटनों पे रखिए, इससे आपका बॉडी बैलेंस बना रहेगा। डंबल्स को अपने हाथ के दम पे ही उठाने की कोशिश करें। शोल्डर की मसल्स का उपयोग कम से कम करें जिससे कि हाथों पे ज़्यादा से ज़्यादा असर जाए। जब भी आप वेट को ऊपर उठाएंगे मुंह से पूरी सांस निकाल देंगे, नीचे रिलीज करते समय नाक से सांस भर लेंगे। कंसंट्रेशन का कोई भी सेट हो उसको आप एकदम से स्लो मोशन में करिए, उसमें जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। डंबल्स को जब आप सबसे नीचे ले जाएंगे उसे इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, घुमा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगे तो आप उसको एकदम लास्ट पॉइंट नीचे पे ले जाके अंदर की ओर घुमा सकते हैं, वो भी सही होगा। जब भी आप डंबल्स को ऊपर ले जाएंगे एकदम लास्ट पॉइंट पे सबसे ऊपर ले जाके वहाँ पे उसे 1-2-3 सेकंड का पाज करने की कोशिश करें, फिर धीमे से ही 1-2-3 सेकंड में ही रिलीज करें। जितना स्लो करेंगे उतना ही आपके बाइसेप पे इसका असर जाएगा। आपके बाइसेप की पीक यानी डोला बढ़ाने का ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इसे अपने बाइसेप के किसी भी रूटीन में ज़रूर से शामिल करें। 3 से 4 सेट करें, रेप्स को 8 से 15 के बीच में भी आप ले जा सकते हैं। हर सेट के बाद थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाने की कोशिश करें, हर सेट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें। सेट को करते समय आप अपनी बैक के मूवमेंट पे ज़रूर से ध्यान दें, बैक को कम से कम मूव करें, उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करें जिससे कि आपके बाइसेप पे ज़्यादा असर जाए। मैं अक्सर जब भी सेट को करता हूँ शुरू के 2 सेट में डंबल्स को जब मैं नीचे ले जाता हूँ उन्हें सीधा ही रखता हूँ। आखिरी के 1 या 2 सेट में मैं डंबल्स को जब भी नीचे ले जाता हूँ उन्हें अंदर की तरफ घुमा देता हूँ। मुझे ये भी करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैं शुरू के 2 सेट में डंबल्स को जब नीचे ले जाता हूँ सीधा रखता हूँ, लास्ट के 1 या 2 सेट में मैं डंबल्स को अंदर की तरफ घुमा देता हूँ। ब्रीदिंग का ज़रूर से ख्याल रखिएगा, जब भी आप वेट को ऊपर उठाएंगे डंबल्स को ऊपर उठाएंगे मुँह से पूरी सांस बाहर निकाल देंगे, नीचे रिलीज करते समय नाक से सांस भर लेंगे। चूँकि ये आपके लिए कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज होती है सो आप इसे एकदम से स्लो मोशन में ही करिए, इसे जल्दीबाजी में बिल्कुल भी मत करिएगा वरना कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।